पेज 71। डज इट लुक द सेम? लेट्स मेक पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। ठीक है, ये आपको थ्रेड पेंटिंग बोलने के लिए बोल रहे हैं। थ्रेड पेंटिंग जानते हैं, धागे से पेंटिंग जो किया जाता है उसके लिए, ये धागे से पेंटिंग की गई है। मेक योर पैटर्न, ये सब धागे से पेंटिंग की गई है तो पैटर्न बनाया गया है। इसमें आपको हम पिक्चर्स दिखा देते हैं, ये दिख रहा है ना, ये मैं हटा लिए और ये आपको दिख रहा है। ठीक, ये देखिए हटा लिए, इधर से भी आपको दिखेगा, दिखा ना, ये हटा लिए, ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है ये। ठीक है, वहाँ पे आपको मिरर प्लेस करना है, यही आपको दिखाना है। ठीक, इधर से तो लाइन ऑफ सिमेट्री है लेकिन इधर से नहीं है, देखिए ये क्या आ गया। ओके, ये सिर्फ वन वे है, ये वन वे है, ये दो तरीके से हो सकता है, इधर से भी इधर से भी। ओके, ये इसका दो तरीके हैं। यस, अब ये देखिए, ये है, ये सिमेट्री नहीं है। ठीक है, ये खींच तो दिया है लाइन लेकिन नहीं है, ये लाइन सिमेट्री का है, देखिए ये सिमेट्री का लाइन है, इधर से नहीं है, इधर से नहीं है। एक तो होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, और एक क्रॉस वाइज, बहुत सारे हो सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, बहुत सारे, कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अभी पूछ रहा है, कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच वे दैट यू गेट टू सिमिलर मिरर हाफ्स? यस, दो हाफ हमको बराबर मिलते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन यू डू इट? ये तो हम एक तरीके से ही पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे वन वे। ठीक है, इसमें आप टू वे, इसमें आप टू वेज, इसमें दो तरीके, इसमें आप वन वे। ओके, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। यस, ये आपका क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखिए, आपको ऐसे मिल रहा है। ठीक, देखिए आप ध्यान से देखिए पिक्चर आपको कैसे मिल रहा है, और आपको दिया क्या है, फर्स्ट हाफ पार्ट ऐसा है तो सेकंड हाफ ऐसे पीछे में होना चाहिए जो मिरर में आ रहा है, लेकिन है क्या ऐसा? तो क्या सिमेट्री है? नहीं है। ये देखिए आपको दे के रखा है ऐसा, आपको होना चाहिए इसको ऐसा, ये देखो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना, तो मतलब ये भी सिमेट्री नहीं है। देखिए ये भी सिमेट्री नहीं है, क्यों? अब चलिए हम आ जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे बोल रहा है, सो दी टू हाफ्स आर नॉट मिरर हाफ्स। हाँ, नहीं है, क्यों? इसमें बोल रहा है लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर दी राइट हाफ कम्प्लीटली। जैसा लेफ्ट हाफ है वैसा राइट हाफ भी कम्प्लीटली होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसमें, ये आपको एक पिक्चर दे के रखा है। ठीक है, ऐसे ये पिक्चर होना चाहिए, दिख रहा है ना, आपका पिक्चर ऐसे होना चाहिए, ये तो ये है, ये वाला पिक्चर ये शो करता है, लेफ्ट हाफ इज इक्वल टू द राइट हाफ। ठीक है, मीन्स सिमिलर पिक्चर है ये, ये सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है। अब ये भी सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है, ये भी तो सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है, आधा हटा लिए, सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है, ये भी सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है, देखिए ये भी सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है, मैंने इसको हटा लिया, वैसे है। ठीक, ये भी सिमेट्रिकल है। अब यही चीज़ इसमें बताना है, ये अब आपको ये दे के रखें, 15 पिक्चर दे के रखे हैं। ठीक है, ये 15 पिक्चर दे के रखे हैं, तो पूछ रहा है क्या ये सिमेट्री है, ये देखिए ये सिमेट्री है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल है, इसमें देखिए जैसे ही मैं कर रहा हूँ मिरर में भी वही चीज़ दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, मिरर में वही फिगर दिख रहा है, देखिए तो ये सिमेट्रिक है, ये देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं, नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं है। ये देखिए ये सिमेट्रिक है क्या? हाँ सिमेट्रिक है, देखिए ये सिमेट्रिक है, लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ा है, देखिए वो थोड़ा कर्व ज़्यादा है, तो आप इसे मान सकते हैं या ना माने जो आपकी मर्जी,
वैसे ही सिमेट्रिक होना चाहिए। बच्चे ने थोड़ा टेढ़ा बना दिया। ये देखिए, ये नीव है, होना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है, इसको ऐसे होना चाहिए था, लेकिन बच्चे ने थोड़ा टेढ़ा मार दिया लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन खींचे उसने, उसको यहाँ से खींचना था, यहाँ से उसको ऐसे खींचना था, ठीक है, उसने गलत खींच दिया, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ये फोर्थ में भी यही चीज़ गड़बड़ कर दी है, फोर्थ में भी यही गड़बड़ी हो गई, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन एक एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, ठीक। अब ये देखिए, ये तो सिमेट्रिक है, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये सिमेट्रिक नहीं है। देखिए, ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे पिक्चर है क्या? नहीं। अब ये देखिए, ये पिक्चर, ये सिमेट्रिक है क्या? पिंक पिंक के साथ में होना चाहिए था, ग्रीन ग्रीन के साथ में, ऐसा है क्या? नहीं है। अब ये देखिए, ये तो एकदम सरासर गलत है, ठीक है, ये देखिए, ये एकदम एग्जैक्ट है, ये सही है, 15 नंबर फिंगर भी सिमेट्री है, इसको तो ऐसा होना चाहिए था, और उसने ऐसे दे के रखा है। 15 नंबर फिंगर भी सिमेट्री है, तो गलत दे दिए, सिमेट्रिक तो ऐसे होता है, सॉरी फॉर मिस्टेक, ऐसे होना था सिमेट्रिक, उसने गलत खींच दिया इधर से, पागल बना रखा है। हाँ, ये देखिए, ये ऐसे होना चाहिए था, इसको बीच में, इसने थोड़ा सा नीचे ज़्यादा ले लिया, लेकिन ये भी सिमेट्रिक मान सकते हैं अगर चाहें तो आप, ठीक है। ये 14, तो आप देखिए सिमेट्रिक कौन सा है, 1 है एग्जैक्ट 1, फिर इसके बाद 5, 7, 8, ये हैं 4, 6 और 13, ये डाउटफुल है, आप अगर चाहें तो मान सकते हैं, 4, 6 और 13 मान सकते हैं, बाकी 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13 ये सब सिमेट्रिक रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए, अब हम आ जाते हैं नए पेज पे, यहाँ पे आपको देख रहा है मिरर गेम, ये आपको देख के रखा है, ये देखिए, ये पिक्चर दिख रहा है ना, ये पिक्चर और ये पिक्चर, ठीक है, ये पिक्चर आपको कैसे मिला इस पिक्चर से, तो आपको ये दिखाना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे रख दिया, आपको वो पिक्चर मिल गया, मिला कि नहीं, देखिए वो पिक्चर आपको मिल गया, कौन सा, ये हटा लिए, देखिए ये मिल गया, जैसे इसको लगाया आपको ये पिक्चर मिल गया, ये पिक्चर मिल गया ना। अब ये देखिए, ये पिक्चर आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे मिरर प्लेस कर दिए, देखिए पिक्चर मिल गया कि नहीं, ये पिक्चर आपको मिल गया, यही पिक्चर आपको मिल गया, ऐसे रखने पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये पिक्चर दे के रखा है, इसको हम ऐसे रख लिए, ठीक, ऐसे ये हमने रख दिया, तो हमको ये थोड़ा अवसर, हाँ ये देखिए, ये पिक्चर आपको मिल गया, तो आपको ये पिक्चर मिल गया, ठीक है, ये पिक्चर मिल गया। अब ये देखिए, ये पिक्चर है ना, इस पिक्चर को ये देखिए, हमने लाइन खींच रखा है, यहाँ पे रखना है, ठीक, यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो हमको ये ऐसा मिलेगा, और यही जो हमको ये मिल रहा है, यही इधर दिया है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे लाइंस मिरर को प्लेस करना है। अब देखिए, ये पिक्चर हमको पाना है, ये पिक्चर पाना है, तो हम कैसे रखेंगे, हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, हम इसको ऐसे रखेंगे, देखिए आपको मिल गया, ये मिले ना, वो आपको मिल गया, हटाने देखो ऐसा हो गया। अब देखिए, ये पिक्चर आपको पाना है, इस पिक्चर को पाने के लिए आपको यहाँ पे कहाँ कर रखना होगा, ऐसे रखना होगा, ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा मेरा छोटा है, आपको मिल गया, ठीक है, हाँ, इधर से आप रखेंगे ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे तो ये पिक्चर मिल रहा है, ये तो गलत है, आपको इस साइड से रखना है, ठीक है, हाँ, ये पिक्चर आपको दिखा है, ये पिक्चर कैसे मिलेगा, आपको ऐसे रखना होगा, ये आपने रख दिया, देखिए मिल गया ना, ये पिक्चर आपको,
ये पिक्चर मिलेगा, ऐसे जब आप रखोगे देखिए ये पिक्चर आपको मिलेगा। ये पिक्चर आपको कैसे मिलेगी, जब आप ऐसे रखोगे तो आपको ये पिक्चर मिलेगा। ये पिक्चर आपको कैसे मिलेगा, जब आप ऐसे रखोगे ये देखिए, ये इधर से उल्टा हो गया, रुक जाइए ये गलत हो गया है इसका पिक्चर। हाँ ये देखिए, ये पिक्चर हमने उल्टा दिखा दिया इधर से गलती से, अगर आप इधर से करोगे तो नहीं दिखेगा, आपको ये पिक्चर इधर से दिखाना है ठीक। ये डी वाला देखिए, आपको पिक्चर दिखा कि नहीं, पिक्चर दिखा, यही वाला पिक्चर आपको मिलेगा ठीक है। देखिए मिल गया ना पिक्चर, ये मिल गया, ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर आपको ऐसे करने पे मिलेगा ठीक। ये पिक्चर आपको साफ साफ दिख रहा है, ई वाला पिक्चर आपको ऐसे करने से मिलेगा। अब हम आते हैं पेज नंबर 77 पर। यहाँ पर हाफ टर्न, हाफ टर्न मतलब 180 डिग्री आपको हमने पढ़ा दिया। ये अगर हाफ टर्न ये है, इसमें हमने डॉट लगा के रखा है पहले से, ये डॉट अगर ना रहता ये ओ चलिए, ये ऐसा पिक्चर है। अब अगर हम इसको हम ऐसे हाफ टर्न ले लेंगे, जहाँ से हमने ऐसे कर दिया तो हमको ऐसे फिर से मिल गया येलो कलर। तो अब बोल रहा कि ये बताओ कैसे हम पता लगाएं कि ओपन है, ये ओपन है या क्लोज है ठीक है। क्योंकि उसका जब ये येलो कलर ऊपर होता है तो फिर बंद हो जाता है, और खुलता भी है येलो कलर ऊपर होने से, राजा कंफ्यूज है। तो उसके लिए एक उपाय है, वो डॉट रख देगा, डॉट रख देगा और उसको पता चल जाएगा। तो आप क्यों, आप मुझे कैन यू गेस व्हाट आइडिया वाज, व्हाट द आइडिया वाज, आप लिखो भैया सिंस। अब यहाँ पर क्या आप अनुमान लगा सकते हो क्या आइडिया था, आप बताओगे। सिंस दे आर सिमिलर, ये दोनों तो सेम है, आप इसको इधर से उल्टो चाहे हाफ टर्न ले लो इधर से या उधर से, तो भी यही आएगा, आपको येलो कलर ही मिलेगा। अब पूछ रहा है कि ये आपको क्वेश्चंस दे के रखा है, इसमें पहले से ही डॉट लगा दिया है बच्चे ने, पहले से ही डॉट लगा के रखा है। यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट। अब आप इसको ये देखो, अभी ऊपर है और ये अभी देखिए नीचे हो गए, सारे नीचे हो गए, लेकिन पिक्चर आपको अब भी प्लस का मिल रहा है, ये मिल रहा है, और ये अभी स्वास्तिक वाला सिंबल जैसा है, ये स्वास्तिक नहीं है, ये भी आपको सिंबल मिल रहा है लेकिन अभी नीचे मिल रहा है, और जब हाफ टर्न लेने के बाद आपको ऊपर मिलता है ठीक है। तो ये आपका हो गया, आप कैसे पहचानोगे, पुट द डॉट ऑन द ब्लेड यू विल गेट इट, यस। आप बोल रहा कि सेम आफ्टर हाफ टर्न, ये आपको पिक्चर्स लेके रखा है और बोल रहा है कि ये बताओ हाफ टर्न लेने पे आपको क्या मिलेगा। तो आप हाफ टर्न लेने पे आपको आपको यही फिर से मिलेगा, आपको देखो फिर से ऐसे ही ये मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी हाफ टर्न पे मिल गया, लेकिन ये आपको हाफ टर्न पे नहीं मिले, ये हाफ टर्न पे मिलेगा, ये हाफ टर्न पे नहीं मिलेगा। क्यों, ये देखो ये क्यों नहीं मिले, क्योंकि ये ट्रायंगल है, इसमें तीन है भुजाएं, इसमें पांच हैं, ये ऑड नंबर है। आप इसको अगर हाफ टर्न लोगे तो ट्रायंगल का हाफ डेढ़ होता है, ये तो इधर में आ जाएगा ना, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये इधर से आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, तो ये भी नहीं हो पा रहा है। तो आप पूछ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप बोलोगे सिंस दे आर नॉट सिमिलर, सिंस दे आर, ये ट्राइंगल एंड पेंटागन आर नॉट सिमिलर ठीक है, बाय प्लेसिंग मिरर। मिरर से भी आप इसका हाफ टर्न लोगे, हाफ टर्न लोगे तो आपका देखिए वही चीज, हाफ टर्न पे ये देखिए कैसे सिंबल हो जाता है, ये सही नहीं शो कर पा रहा है यहाँ भी ठीक है। हालांकि आप अगर बीच से करना चाहें तो वो ये रिप्रेजेंट कर देगा, लेकिन हम इसको मानेंगे नहीं, ट्रायंगल तो सिमेट्रिक होता है लेकिन ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ बात हाफ टर्न की हो रही, 180 डिग्री पर, 180 डिग्री घुमाने की ठीक है, दोनों बातें अलग अलग हैं। अब चलिए
यहाँ पे पेज नंबर 79 में आपसे पूछा जा रहा है, जिन सबका हाफ टर्न अगर लेते हैं प्रैक्टिस टाइम, इन सबका हाफ टर्न लेते हैं तो हमें क्या मिलेगी। इसके पहले हमने आपको जो पहला वीडियो दिखाया था उसमें आपको हमने बताया था, ये हमने लिख दिया है ए टू जेड लिख दिया है, 0 to 9 हमने डिजिट लिख दिया है, और ये देखिए हमने कुछ और डिजिट, ये 2 digit लिखे हैं, ये 2 digit से मिले अंक लिखे हैं, गिनती लिखे हैं, और ये 3 अंकों से बनी संख्या है, ये 4 अंकों से बनी संख्या है। इसको अगर आप उलट भी दोगे तो आपको सारे वही चीज़ मिलेंगे। देखिए इसमें आपको ये सारे ऊपर के सेम है, इसमें आप 1 को ये पूछ ना रहे तो ये सही मिलेगा, हमेशा सीधा 1 ही मिलेगा। 2 जो है नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, ये देखिए 6, 7 और 8 देखो आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या ए भी नहीं मिल रहा, ठीक है, ये भी आपको नहीं मिल रहा है उलटने पे। तो आपको कौन कौन से मिल रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको मिल रहा है HINOSXZ, ये आप कितना भी हाफ टर्न लो, हाफ टर्न लो, फुल टर्न लेने का मतलब एक 1 turn लेने पे फिर से सारे वर्ड वही हो जाते हैं, सारे अल्फ़ाबेट आपको फिर वही मिल जाते हैं, लेकिन हाफ टर्न लेने पे केवल ये सब ये अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 अल्फ़ाबेट आपको 1.5 turn लेने पे आपको वापस मिल जाते हैं। ठीक है, अब बोला हाफ टर्न ये सब जो लिख के दिया है, बोला हाफ टर्न लेने बताओ फिर से सेम कौन दिखेगा, तो ये हम इसका पता लगाते हैं। हाफ टर्न आपने ले लिए तो अब देखिए हम इसको पढ़ रहे हैं जूम मूम स्विम्स ये, और आप हम ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये देखो ये क्या हो गया ऊज, ऊज तो कहीं लिखा नहीं है, ये नहीं है, ये तो गलत हो गया ना, ये तो जूम लिखा हुआ है, बाकी जूम लिखा हुआ है और हमें कुछ नहीं, और बाकी चीज़ें हमें मिल रही हैं, ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब है, आप देखिए इसमें से आपको कौन सा नंबर मिलेगा, फिर से मिलेगा आपको, मिलेगा 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक, आप देखिए 2 digit के नंबर 1188 2 हो गए, 3 digit के नंबर 101 111 ये आपके 6 digit मिल गए, 888 181 808 818 8888 और ये 1881 8008 8118। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं, बाकी और कुछ लिखेंगे डिजिट नहीं आएगा। इसमें आपको बोला है कि ये आपको दिया गया है कुछ पिक्चर्स, इसको हाफ टर्न लीजिए, हाफ टर्न हाफ टर्न लीजिए मतलब 180 डिग्री पे फोल्ड करिए, मोड़ दीजिए, घुमा दीजिए, सॉरी फोल्ड नहीं करना, घुमाना है, ये हमने 180 डिग्री पे मोड़ दिए तो हमको फिर से मिला ये पिक्चर, ये पिक्चर, ये पिक्चर और ये पिक्चर, ठीक है, और ये भी पिक्चर, और बाकी ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, क्यों ये फिर से वैसे नहीं दिखते। हाँ, अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक्टिविटी टाइम, आपको फिरकी बनानी है। ठीक है, और अब आपको हम पढ़ाएंगे 1/4 turn, ठीक है, 1/4 turn मतलब अगले उसमें आपको पढ़ाएंगे 1/4 turn, आपको इतना टर्न लेना है अगले टर्न में हम